व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्यूअर्स, कचौरी तो हर कोई आपको बनाना सिखा रहा है आजकल, लेकिन आज हम आपको बिल्कुल ही नए स्टाइल से कचौरी बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। तो व्यूअर्स, ये बिल्कुल नई रेसिपी है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर हमारा डिफरेंट होगा औरों से। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कचौरी की हम फिलिंग जो है ना, वो बनानी आपको सिखाते हैं कि वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले हमने चूल्हे पे एक कढ़ाई रखी है, उसके नीचे नॉर्मल आग जलाई है और अब उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे हसबे ज़रूरत। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा ही ऑयल डालना है। ये हमारे पास एक पाव चिकन का कीमा है, जो कि हम इस ऑयल के अंदर डाल देंगे। ये इन तमाम चीज़ों को हमने फ्राई करना है। व्यूअर्स, हम जो जो डालते जा रहे हैं ये फ्राई होंगी सारी चीज़ें। एक छोटी गुठी प्याज की है, बहुत बड़ी नहीं डालनी, छोटी डालनी है। 3 अदद कटी हुई हरी मिर्च विदाउट सीड्स, इनके बीज निकाल दिए हैं, उसके बीज के बगैर 3 अदद कटी हुई हरी मिर्च। लहसुन अदरक का 1 फुल भरा हुआ चम्मच टेबल स्पून। इनको थोड़ा सा हमने पहले मिक्स कर लेना है, फिर इसके बाद इसमें हम दीगर मसाला जार डालते हैं, वो भी एज़ पर नीड डालने हैं। आपको जितने पसंद हैं आप डाल सकते हैं, हमने अपनी टेस्ट के मुताबिक उनको डालना है। 1/2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, हल्दी, 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून फुल नहीं भरा हुआ, नॉर्मल है, ये कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। व्यूअर्स, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, सिर्फ ये कि अच्छे तरीके से कुक हो जाएं, तो और ये मुकम्मल तौर पर पक जाएं, तब इनको बंद कर देना है, सिर्फ फ्राई करना है। व्यूअर्स, हम इसमें जो रेड चिल्ली है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ ग्रीन चिल्ली का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन चिल्ली से इसमें बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर और अच्छा फ्लेवर आता है। सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं फिलिंग के लिए, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। व्यूअर्स, हमारी कचौरी की फिलिंग, उसके अंदर जो मटेरियल डालना है वो रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको चूल्हे को बंद करते हैं जी। व्यूअर्स, हमारी फिलिंग के लिए चिकन वगैरह तो रेडी हो गया है। तो व्यूअर्स, अब हम एक बाउल लेंगे, अब हम कचौरी की डो बनानी सिखाएंगे। उसके अंदर हसबे ज़रूरत हम मैदा डालेंगे, जितना हमें चाहिए। व्यूअर्स, इस डो की ये खसूसियत है कि ये 2-3 दिन भी पड़ी रहे तो इसको कुछ नहीं होगा, जब चाहे इसको यूज़ कर लें आप। ये मैदा है, ये हम थोड़ा ज़्यादा ही गूंदेंगे, क्योंकि हम इसको बाद में भी यूज़ कर लेंगे। 1 टीस्पून फुल भर के हम इसके अंदर साल्ट का ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद हमने और कुछ भी नहीं डालना, इसको मिक्स कर देना है नमक को, और इसके बाद इसके अंदर हम पानी डालते हैं। व्यूअर्स, ये डो हमें बहुत ही हार्ड चाहिए, हमने इसमें पानी हसबे ज़रूरत डालना है, इसको पतला नहीं करना, बहुत हार्ड डो होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा और पानी पड़ेगा, जी। व्यूअर्स, अब मिक्स करके देखते हैं कि हमें मजीद पानी की जरूरत इसके अंदर है कि नहीं। व्यूअर्स, अब हमने हैंड यूज करना है, इसको बाहर निकाल देना है, और बेशक आप पहले भी हैंड यूज कर लेते तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये हैंड से मुकम्मल तौर पे सारा इसका इस्तेमाल है। व्यूअर्स, अब ये मुकम्मल तौर पर जब गूंद हो जाएगी तब हम आपको दोबारा दिखाते हैं जी। व्यूअर्स, डो हमारी गूंद हो चुकी हुई है, तो अब हमने क्या करना, आधे घंटे के लिए ना इसको रख देना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये कितनी मुश्किल से इसके अंदर है, प्रेस किया जा रहा है इसको, तो इसको हमने आधे घंटे के लिए इसके ऊपर ढकना देके रख देना है।
जी व्यूअर्स, आधा घंटा हो गया है तो अब हम इस बॉक्स को खोलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि आटा हमारा, जी बिल्कुल, इसको आप थोड़ी देर के लिए हम इसको फिर गूंदेंगे बाहर निकाल के इससे। जी व्यूअर्स, हैंड्स को हमने ऑयली कर लेना है तो इसको फिर हमने इस तरीके से इसको गूंदना है। बहुत ज़्यादा नहीं व्यूअर्स, इतना टाइम नहीं लगाना, बस जस्ट हमने पहले इसको मिक्स किया था और इसके बाद आधे घंटे के लिए रख दिया था और अब हम इसको बस इतना सा थोड़ा सा इसको एक किस्म का यकजान करेंगे। तो इसके बाद फिर हम इसको अब ये ऐसे करके फैला देंगे और इसको बेलने से हम बेल लेंगे। जी व्यूअर्स, इसको जितना भी बड़ा कर सकते हैं हमने कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम घी की एक लेयर लगाएंगे। व्यूअर्स, घी लगाना है, जहन में रखिएगा, घी ना के ऑयल। ऑयल बिल्कुल नहीं इसके अंदर यूज़ करना, इसके अंदर सिर्फ घी यूज होगा और वो भी हमने ज़्यादा इसके मिडल में लगाना है, साइड्स पे खुद ही आ जाएगा, हमने सिर्फ मिडल्स में लगाना और इसको फोल्ड करके इसको दोबारा बेलना है। 6-7 तय हम इसकी ऐसे ही करते जाएंगे, इसको अब हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे, ठीक है, और इसको फिर हम बेलना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, दूसरी बार फिर हमने इसको फैला लिया है, अब फिर हम इसके अंदर घी की तह लगाएंगे और इसको फिर फोल्ड करके हम इसको दोबारा इसको हम बेलने से बेलेंगे। हम घी की तह लगाते हैं इसके अंदर, आप जितनी बार भी करना चाहें, 3 बार 4 बार 5 बार, ये उतनी ही ज्यादा बड़ी और ज्यादा तहदार बनेगी। जी व्यूअर्स, इसको इसकी हम फिर फोल्डिंग करेंगे इस तरीके से और फिर हम इसको बेलेंगे। जी व्यूअर्स, ये हम चौथी बार इसकी तह के अंदर घी लगाने लगे हैं। अब इसकी लास्ट टाइम हम फोल्डिंग करेंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको कचौरी की शेप कैसे देनी है। जी व्यूअर्स, इसकी 5 लेयर्स में हमने घी लगा के इसको अब लास्ट पे फैला लिया और बहुत ज़्यादा इसकी बारीक जो है वो लेयर कर दी है। तो व्यूअर्स, अब हम इसकी करेंगे कटिंग। उसके लिए हम एक कटर लेंगे या कोई ढकना वगैरह, घर में जो भी आसानी से अवेलेबल हो चीज़ वो लेके तो इसकी कटिंग करनी है हमने गोलाई की शक्ल में। जी व्यूअर्स, हमने ग्लास लिया है, इसके ऊपर रख दिया और इसको ऐसे करके घुमा के प्रेस करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसके अंदर से इसका एक पीस निकला है। इसके अंदर अब हम मटेरियल भरेंगे, साइज आप बड़ा करना चाहें, जितना बड़ा करना चाहें आपकी मर्जी है, छोटा करना चाहें तब भी आपकी मर्जी है। तो हम साइज थोड़ा छोटा रख रहे हैं इसका, क्योंकि इसने खुद ही बड़े हो जाना है दोबारा। तो अब हम इसकी फिलिंग करते हैं व्यूअर्स, इसी तरीके से हमने सारे एक बार पहले निकाल लेने हैं, फिर इकट्ठे इनकी फिलिंग कर देनी है। ये कितनी ज्यादा ही बन जाएंगी। जी व्यूअर्स, हमारे सारी ये कटिंग हो गई है, अब हम क्या करेंगे कि कचौरी का मटेरियल डालेंगे एक के अंदर, थोड़ा ज्यादा जितना भी भरना चाहें आप, आपकी अपनी मर्जी है। अब हम इसको चुनेट डालेंगे, चुनेट इस तरीके से चुनेट डाल के तो इसको ऐसे फोल्डिंग कर देनी है इसकी, ये इस तरह बना के रखते जाना है, इसने बड़े हो जाना, हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है इस तरीके से और एक प्लेट में बना के इसको रखते जाना है। इसी तरीके से सारी हमने रेडी कर लेनी है व्यूअर्स। इसकी थोड़ी सी हम एक की शेप डिफरेंट करेंगे, इसकी शेप जैसी चाहें आप बना के रख सकते हैं, ये इस तरीके से इसकी इस तरह की भी शेप ही हम बनाएंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने कितनी ज़्यादा तैयार कर ली है सिर्फ थोड़े से मटेरियल से। जी व्यूअर्स, अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसके नीचे आग लगाते हैं नॉर्मल और उसके अंदर ऑयल डालते हैं और फिर इनको चिकन कचौरी को फ्राई करते हैं। ऑयल थोड़ा इसमें खुला डालते हैं,
जी व्यूअर्स, इतना काफ़ी है। अब इसको गर्म होने देते हैं, जब मुकम्मल गर्म हो जाएगा तो तब हम कचौड़ी इसके अंदर डालेंगे। जी व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया तो अब हम इसके अंदर कचौड़ी डालते जाते हैं। कचौड़ी हमारी बड़ी होना शुरू हो गई है व्यूअर्स, इसको हमने एक साइड से पकाना है, फिर इसकी साइड को पलट देना है और इसका लास्ट पे गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए। अब हम इसको पलटते हैं, गोल्डन ब्राउन होने में अभी टाइम लगेगा, अभी ये पक रही हैं। व्यूअर्स, चम्मच से इनके ऊपर ऐसे ऑयल डालते जाना है, इससे ये और जल्दी तेज़ी से बनती है और फूलती भी ज़्यादा है। जैसे समोसे के ऊपर डालते हैं ना, वैसे इसके ऊपर भी डालना होता है। जी व्यूअर्स, अब हम एक छलनी लेंगे और इसके अंदर इसका ऑयल निकाल देंगे और फिर हम और इसमें डालते हैं दूसरी वाली। इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी अब डालते हैं जो दूसरी बनाई थी। ये भी वैसे ही उसी प्रोसीजर से इनको पकाना है। व्यूअर्स, इसमें ऑयल का ख्याल रखना है कि ऑयल के नीचे आग जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल से भी थोड़ी कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि ये अंदर तक इसकी जो लेयर्स है वो अच्छे तरीके से पक जाए और ये जलने ना पाए। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हुआ तो ये जल जाती होती हैं। जी व्यूअर्स, मज़ेदार कचौड़ी हमारी बन के आ चुकी है, बहुत 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 ही मज़े की बनी है। व्यूअर्स, नई रेसिपी है, नया स्टाइल है, आप ज़रूर इसको अप्लाई करें और देखें कि इसका कैसा टेस्ट और कैसी मुनफरिद रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। तो व्यूअर्स, इसको केचप के साथ खाएं, वैसे खाएं, हर तरफ से बहुत ही मज़े की लगेगी। तो व्यूअर्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसी रेसिपी आपको ये लगी है। तो व्यूअर्स, आपने मेरे चैनल मिक्स मसाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देने हैं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी तक के लिए, अल्लाह हाफिज़। Yeah.